लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बना विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया पिछले दिनों आए तमाम झंझावातों को झेलते हुए फिलहाल मजबूती की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जी हां, पिछले कुछ दिनों में जो सियासी घटनाक्रम बना उसने इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। एक वक्त तो लगने लगा कि विपक्ष का साथ मिलकर चलने का ये प्रयास बस यहीं थम जाएगा। जिस तरह से इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने पाला बदला, फिर उसके बाद जयंत चौधरी ने किनारा कर एनडीए का हाथ पकड़ लिया, उससे अपोजिशन की एकता पर सवाल उठने लगे। रही सही कसर एकला चलो की बात कर ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी ने पूरी कर दी। उस पर कांग्रेस के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर टशन। लेकिन एक डेढ़ हफ्ते में ही अब ऐसा लगता है कि तूफान निकल गया है। जी हाँ, तूफान निकल गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने घटक दलों के नेताओं को फोन कर पर्सनल बात कर चीजों को काफी हद तक संभाल लिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बनी बात से इंडिया गठबंधन की गांठ फिर मजबूत हुई है। इतना ही नहीं, यूपी में कांग्रेस सपा समझौते का असर बंगाल पर भी होगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी फिर से इंडिया गठबंधन के साथ आ सकती हैं। ममता और अखिलेश की मजबूत बॉन्डिंग मानी जाती है। हो सकता है अखिलेश दीदी को मना लें। बात आम आदमी पार्टी की करें तो पार्टी ने पंजाब में अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। इसके अलावा गुजरात और हरियाणा में भी दोनों मिलकर लड़ेंगे। साथ ही यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले दूसरे नंबर के राज्य महाराष्ट्र में भी शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी के साथ कांग्रेस का सीट शेयरिंग समझौता करीब करीब तय है। बिहार के भूचाल के बाद देखें तो दोनों बहन भाई यानी प्रियंका और राहुल ने एक्टिव होकर बिखरते इंडिया गठबंधन को काफी हद तक संभाल लिया है। चर्चा है कि मार्च मध्य में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके पहले ही बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबले के लिए बने इंडिया गठबंधन को अपनी तैयारियों को सुलह समझौतों के साथ जल्द से जल्द पूरा कर जनता के बीच जाना होगा। वक्त कम है और काम बहुत। जानकार बताते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपनी अपनी जगह पर बेहतर टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गईं, तो चुनाव के परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए कांग्रेस सहित सभी दलों को भरपूर समन्वय बनाने की अभी और जरूरत है। साथ ही सीट बंटवारे के चलते नाराज होने वाले दावेदारों को मनाना भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट तय होने के बाद से दोनों ही दलों के दावेदार कई कद्दावर नेता नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर फिलहाल कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने खुद को संभाल लिया है, लेकिन अब भी बहुत कठिन है डगर पनघट की।